तो काफी बच्चे आ गए हैं, ऐड हो रहे हैं, हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप के साथ शुरू करते हैं, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए, आपको याद आ जाए और आप आज की क्लास से लिंक कर पाए। ठीक है, चलिए। सब देख पा रहे हैं ठीक से स्क्रीन? यस मैम। परफेक्ट, ओके, चलिए शुरू कर। कल हमने बात करी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यस, यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर का रूल क्या होता है, हमने सबसे पहले सीखा था कि आपको चार चीजें हैं उनका ध्यान रखना है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि आप क्या कहना चाहते हैं, सेंटेंस को अपने माइंड में क्रिएट कीजिए पहले अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद उसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है उसको पहचानिए, उसके बाद सेंटेंस की शुरुआत हमेशा करिए सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद वर्ब्स, वर्ब्स यानी क्रिया, जो कार्य हो रहा है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी कि बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया था कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसी कार्य के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में, उसको हम बाद में रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, के सब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट। फिर हमने बात करी थी कि सब्जेक्ट को कैसे बदल दिया जाता है, आई का मी हो जाता है, माई माइन, शी का हर हर्स, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी कि एक वचन और बहुवचन के साथ आपको प्रेजेंट में कैसे बात करनी है, पास्ट में कैसे बात करनी है, फ्यूचर में क्या बात करनी है। हमने बात करी थी कि इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, डू डस का यूज कैसे करते हैं, हैव का, हैड का, तो ये सारी चीजें जो पास्ट में थी, पास्ट के बारे में हम बात करते हैं तो वॉज और वर लगाते हैं, एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वर। प्रेजेंट में बात करते हैं तो आई के साथ एम लगता है, बहुवचन के साथ आर और एक वचन के साथ इज। फिर डू और डस की बात करी थी तो बहुवचन के साथ डू लगता है, एक वचन के साथ डस लगता है। उसके बाद हैव और हैज, सेम, बहुवचन के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हैज लगता है। फ्यूचर के बारे में बात करी थी, विल बी, ऐसा होगा, होगा के सेंस में आप विल बी का यूज करेंगे, फ्यूचर में हमेशा विल और शैल का यूज करेंगे, और विल डू, अगर आप कुछ करेंगे तो विल डू, आपके पास कुछ होगा तो विल हैव, इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। अब आगे बात करते हैं। आगे के लिए देखिए, हम वर्ब, पहले हमने सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ाया सिर्फ अभी, ये सब्जेक्ट क्या होता है ना। अगली चीज है वर्ब, क्रिया। तो क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, तो काम अगर हो रहा है तो वो किस तरह से होता है, जैसे कि कम, कोई आता है तो कम, ठीक है, कोई जाता है तो गो, ये बहुत सारी वर्ब्स यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, बहुत सारी वर्ब्स। अब आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत वर्ब्स और वोकैबुलरी याद करने में लगानी है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो वर्ब्स जैसे कि आप किस समय में बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी वर्ब लग जाएगी। अगर आप आ रहे हैं तो कौन सी वर्ब लगेगी, आप आ रहे थे तो कौन सी वर्ब लगेगी, बस। तो तीन तरह की वर्ब्स हैं, इसके बारे में, वर्ब्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और अकेला वर्ब का टॉपिक होगा जिसमें आप समझोगे कि कब कम लगाना है, कब केम लगाना है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, गो की, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म कब लगानी है ये आप सीखोगे। आज हम बहुत इनिशियल, बहुत फर्स्ट चीज सीखेंगे, जो पहली मेन वर्ब है। देखिए ये जो इसके आगे के जो भाग होते हैं, वर्ब टू और वर्ब थ्री, ठीक है, ये डिपेंड करता है टेंस के ऊपर कि कौन से काल में बात हो रही है। अभी हम बात करेंगे मेन वर्ब की। जो मेन वर्ब होती है वो ये होती है, वर्ब फर्स्ट, यानी कि सिंपल इंग्लिश, अगर आना है तो कम, जाना है तो गो, पीना है तो ड्रिंक, खाना है तो ईट, गिरना है तो फॉल, उठना है तो अगर उड़ना है तो फ्लाई, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म्स होती है, हम केवल सिंपल फॉर्म्स, केवल सिंपल सेंटेंस आज सीखेंगे,
कि आप पहली फॉर्म लगाकर कैसे आप बात करते हैं। हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है किसके साथ? वर्तमान काल के साथ। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सेंटेंस आज हम बनाएंगे, सीखेंगे कि नॉर्मल बातें वर्तमान काल की हम कैसे करते हैं केवल वर्ब्स लगा के। ठीक है, चलिए अब कॉपी पेन आपके एक्टिव होने चाहिए बिल्कुल। आपको एक एक चीज, एक एक सेंटेंस जो बोला जा रहा है वो सब लिखना है, सब कुछ अच्छे से मेंशन करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि बहुत सिंपल सा सेंटेंस अगर आपको बनाना है उसमें कुछ नहीं लगाना, कोई पास्ट की बात नहीं है, कोई फ्यूचर की बात नहीं है, कोई डू डज कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं, हैज हैव का कोई कंफ्यूजन नहीं। एक सिंपल सी बात अगर आप कहोगे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई काम की डिटेल देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय का नाम लिख देंगे वर्ब की जगह। ठीक है, बस अगर आप वर्ब नहीं भी लगाना चाहते तो भी सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है, वर्ब के बिना भी आप कोई बात कह सकते हैं, सॉरी वर्ब के बिना नहीं, ऑब्जेक्ट के बिना। वर्ब के बिना तो आप कोई बात नहीं कह सकते क्योंकि वो क्रिया ही है, ऑब्जेक्ट के बिना आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अ सेंटेंस कैन बी विदाउट हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला जो है वर्ब फर्स्ट, ये आपकी मेन वर्ब्स होती हैं। इसके अलावा सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, कल जो हम बात कर रहे थे ये डू डज डिड हैड हैव हैज विल बी वर दे, ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हेल्प करती हैं सेंटेंस को और बेहतर बनाने में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कहने में। लेकिन अगर आप बिना इनके यूज करे कुछ कहना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल वर्ब का यूज करेंगे यानी कि मेन वर्ब, यानी कि जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताएं। तो चलिए अब इसको तो ना थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेन वर्ब, अगर मैं कहूं जाना तो जाने की मेन वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब का मतलब जाना, मतलब बताइए जल्दी से उसकी इंग्लिश क्या होती है? गो। गो, ठीक है। खाना मतलब ईट। हाँ, तो ये जो सिंपल से शब्द हैं यही मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। अब चलिए बात करते हैं, आप समझ गए कि मेन वर्ब को कैसे यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, आई क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। रीड क्या हो गया यहाँ पर? आपकी मेन वर्ब। आप काम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसने अगला बोला है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया आपका। प्लेज क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई मेन वर्ब। अब आपने यहाँ पे प्लेड या प्लेड नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ सिंपल एस या ईएस, एस का यूज किया है आपने, प्ले की जगह आपने प्लेज लिख दिया है। ये अभी हम समझेंगे कि आपने एस यहाँ पे क्यों लगाया। ठीक है, अगर नॉर्मल शब्द अगर हम देखें, प्ले का खेलने का सिर्फ प्ले होता है, लेकिन प्लेज क्योंकि यहाँ पर ही है एक वचन, ये भी हम सीखेंगे कैसा क्यों लिखा है। सिंपल सेंटेंस, यू वर्क एवरी डे, आप डेली काम करते हैं, शी कम्स एवरी डे, वो डेली आती है, आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूँ। अब आप मुझे ये बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई, बताइए। यस मैम, यस मैम। ठीक है मैम, तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसे ही सेंटेंस अब मैं आपको बोलती हूँ तो आप बना, अब आप मुझे बना के दिखाएंगे, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। अब आप मुझे बताइए कि वो गिटार बजाता है, लड़का है, he plays guitar, play guitar, he plays guitar, हाँ, जिसने भी प्ले बोला है, प्ले इज अ रॉन्ग वर्ब यहाँ पर, ठीक है, अभी हम समझेंगे कि क्यों। तो आप ही प्लेज गिटार, ठीक है, तो इस तरह के सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है ये बहुत इजी सेंटेंस है, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ट्रांसलेट करना है सब्जेक्ट क्या है, काम क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, बस। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं इसको और बेहतर समझने के लिए। जैसे कि ही पेंट्स पोस्टर्स,
वो क्या करता है, वो पेंट करता है पोस्टर्स को, वो पेंट कहीं पे भी कर सकता है, आप पोस्टर की तरह कुछ और लगा दीजिए, वॉल लगा दीजिए, ठीक है, या वो खुद के घर की दीवार ही करता है तो कुछ भी लगा दीजिए, बट वो क्या कर रहा है, वो पेंट कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, लड़का हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद अच्छा ये आपको लिखना भी चाहिए ताकि आप बाद में भूलो ना, जिनको भी बेसिक चीजें बहुत क्लियर करनी है, सब्जेक्ट कौन होता है, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट, जो एक्शन को कर रहा होता है यानी कि करता, काम करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ही, यहाँ पर करता है ही। पेंट्स यानी कि काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है हमारी, काम हो रहा है पेंट करने का, जो भी एक्सप्रेशन है आपका, यानी कि आप कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, फेशियली, या फिर आप जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो काम ही है, ठीक है, तो वो वर्ब हो गया आपका। तो यहाँ पे पेंट्स, एस क्यू लगा है फिर से, अभी हम आगे समझेंगे, अभी बस आप इतना ध्यान रखिए, पोस्टर्स या वॉल, तो क्या करता है, कहीं पे भी पोस्ट कर सकता है, पेंट कर सकता है, तो ये आप ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे पढ़िए आराम से, जो भी एक्शन को, एक्शन से रिलेटिव होता है, यानी कि जो भी चीजें एक्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, वर्ब को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, वो क्या हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि पूजा इंग्लिश बोलती है, तो इसमें सब्जेक्ट है पूजा, वर्ब यानी कि इंग्लिश बोलने का काम हो रहा है, तो उसका इंग्लिश, हिंदी हो, इंग्लिश होगा स्पीक, और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलती है, तो पूजा स्पीक्स इंग्लिश। अब अगर मैं कहूं कि राहुल, अच्छा मैं हिंदी में बोलती हूँ, राहुल मिठाई खाता है, तो आप क्या कहेंगे, राहुल हाँ, और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस, आप यहीं तक समझना, ज्यादा अभी कंफ्यूजन होने, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिया में यानी कि वर्ब में एस कब लगाना है और एस कब नहीं लगाना है, ठीक है, तो कब आपको एस लगाना है, ये देखिए, जब आपका कर्ता यानी कि आपका सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो अगर एकवचन है, तो आप क्या लगाएंगे, क्रिया में लगाएंगे एस, ठीक है। जैसे कि वह आता है, वह क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, ठीक है, एकवचन है, तो इसलिए कम के साथ एस लग गया, कम यानी आना, वर्ब की जो मेन वर्ब है यहाँ पे कम है, कम के साथ एस लग जाएगा। ये एस केवल तभी लगेगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एकवचन है, अगर यहीं पर आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो जाए, वे हो जाए, तो यहाँ पे देखो कम के साथ एस नहीं लगा, नो एस, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया, दे कम, वे आते हैं, दे कम, यहाँ पे एस नहीं लगाया, एस केवल वर्ब में, क्रिया में, लिख लीजिए या हमेशा याद रखना, इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है, हम एस ई एस कहीं भी लगा देते हैं, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां पर भी गलती से, है ना। तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है, एकवचन के साथ, क्रिया के साथ एस लगेगा, बहुवचन के साथ अगर हो तो क्रिया के साथ एस नहीं लगेगा, वो सिंपल बनेगा, वे आते हैं, दे कम, वे जाते हैं, दे गो, वे खाते हैं, दे ईट। अगर यहीं पर एकवचन के साथ बनाया जाए तो क्या होगा, वो आता है, ही कम्स, वो खाता है, ही ईट्स, ठीक है, वो जाती है, शी गोस, तो एस लग गया, एस लग गया। समझ में आया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, मेन वर्ब का, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस जो है इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या, मुझे ये बताओ इस सब्जेक्ट में, अभी हमने कौन सा रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब आप मुझे ये बताइए जल्दी से चेक करके कि इस वाले सेंटेंस में क्या क्या चीजें यूज हुई है, फर्स्ट वाले में subject and verb, yes, there is no object, कोई extra information नहीं दी है, तो आपका sentence भी complete हो गया, very simple, मैं जाता हूँ, I go, कहाँ जाता हूँ, ये आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैं काम करता हूँ, I work, मुझे लगता है, I think, आप कितना use करते हैं, I think, तुम्हें लगता है, you think,
सूर्य चमकता है, देखिए जब कोई यूनिवर्सल चीज होती है ना उसके आगे द लगाया जाता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो सिंगल होता है उसके आगे हमेशा डी का यूज करते हैं, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे डी की दा, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, क्यों करते हैं ऐसा अलग अलग, वो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी हम इतना सीखते हैं यहाँ पे सन। अब सन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए शाइन्स, ठीक है, यहाँ पे भी हमने लगा दिया। उसके बाद कुत्ते भौंकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डॉग है बहुत सारे हैं, डॉग्स हैं, तो डॉग्स भौंकने की हो गई बात। अगर यहाँ पे एक डॉग होता तो क्या होता, जल्दी से बताइए सेंटेंस क्या होता। एस लग जाता है, डॉग बार्क्स। बार्क्स, बार्क्स, वेरी नाइस। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब आगे का आप मुझे बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। उसे लगता है इट थिंक्स मैं झूठ बोलता हूँ, आई एम लाई, आई टेल अ लाई, आई टेल अ लाई। नाउ सोचो सोचो थोड़ा सा और सोचो, मैं झूठ बोलता हूँ, सिंपल करिए इसको। आई लाई, आई टेल अ लाई, आई लाई, ठीक है, आई लाई, क्योंकि लाई का मतलब ही झूठ बोलना हो गया, ठीक है, तो आई लाई। अगर लाई, क्योंकि अब लाई मुझे बताइए लाई क्या है, यहाँ पर लाई यहाँ पर झूठ बोलना वर्ब की पहली फॉर्म है, ठीक है, पहली फॉर्म है, इसलिए आपको उसमें कुछ नहीं करना। आई है बहुवचन है इसलिए ऐसी आई एस कुछ नहीं लगाना, मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई। अगर मैंने कहा होता कि मैंने झूठ बोला था तो वो लाई का सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा, आई लाइड, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस की नॉर्मल बातें। वह आता है, जल्दी बताइए, he come. तुम हंसते हो, you laugh. तुम हंसते हो, you laugh. अच्छा, मैं खेलता हूँ, I play. हाँ हाँ, किसी ने plays बोला, I play रहेगा, I मैंने बताया ना कल कि I play ही रहेगा, ठीक है, बहुवचन मानेंगे उसको। पूजा इंग्लिश बोलती है, अभी हमने सीखा था एग्जाम्पल, पूजा speaks English. हाँ, पूजा speaks English, very nice. तो अभी हमने क्या सीखा ये, अब आप मुझे जल्दी से अपनी क्रिएटिविटी लगा के इसके एग्जाम्पल्स बना के दिखाइए, एग्जाम्पल बना के दिखाइए, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सोचिए सोचिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाइए, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ही रीड्स, रीड्स, नाइस। और देखो इंग्लिश भाषा के साथ आपको क्रिएटिविटी भी लानी है, ठीक है, बी क्रिएटिव, बनाइए सेंटेंस, बनाइए, आप बहुत दिन भर में बहुत चीजें बोलते हैं ऐसी। I sit. You play. You play football. Very nice. राहुल को क्रिकेट पसंद है, राहुल लाइक्स क्रिकेट, वेरी नाइस। और बनाइए, आई राइट लेटर, हाँ, व्हाट, आई राइट लेटर, राइट नहीं होगा, आई के साथ क्या होगा, आई राइट अ लेटर, हाँ। और बनाइए, बनाइए, मैं जाती हूँ, वो आती है, उसने ये कहा, वो काम करती है, बनाइए, वो काम करती है, she works, ओके, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया ना आपको, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, सिर्फ वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप ये देखिए, दिन में आप जितनी भी बातें ऐसी बोलोगे वो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अब मुझे बताइए कि वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, जल्दी से बनाइए, he speaks
He speaks very good English. और इसको थोड़ा और अच्छे से फ्रेम करो. He speaks English very well. ठीक है. He speaks English very well. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमने कल बात करी थी कि जैसे ये हम does और do और does का यूज कर रहे थे, है ना, यहाँ पर ये do और does का प्रेजेंट में. तो हमने कहा था कि he she it के साथ does आएगा और you के साथ जितने भी प्लूरल हैं बहुवचन के साथ do आएगा. तो अब आप मुझे बताइए क्या यही सेंटेंस जो आप केवल हेल्पिंग सॉरी वर्ब के साथ यूज कर रहे थे, क्या आप इनको डू और डस के साथ कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा सबसे लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, सबसे लास्ट वाला फिफ्थ सेंटेंस, ही डस प्ले क्रिकेट. अगर आप इसको डस के बिना बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे? ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है, आपने कहा कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. अब मैंने कहा ही डस प्ले क्रिकेट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सोच के बताइए. प्ले के साथ जो एस लगा था वो हट गया और डस लग गया वहां पे. हाँ जी, और रीजन बताइए क्या, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? एक ही सेंटेंस को आप केवल क्वेश्चन मार्क, नहीं नहीं फिफ्थ वाला सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है. फिफ्थ वाला सेंटेंस सेम मीनिंग है मैम, सेम मीनिंग है लेकिन तरीका अलग है. तो ये जो अलग तरीका है ये क्यों है, देखो आप जब भी अंग्रेजी बोलोगे तो एक बात तो आप सिंपल कह सकते हैं जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है, अब आपको अगर इन्फ्लुएंस के साथ कहना है कि यस वो क्रिकेट खेलता है तो ही डस प्ले क्रिकेट. ठीक है, इसको थोड़ा और अपनी कम्युनिकेशन को और फाइन करने के लिए आप उसको इन्फ्लुएंस करके जब बोलेंगे तो डू और डस का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है अभी. तो ही डस प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अभी हम क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं पढ़ रहे हैं, केवल डस को इन्फ्लुएंस के साथ यूज करने के लिए हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करना है आपको. मैंने पहले में पूछा डस ही लाइक इंडियन फूड, क्या वो इंडियन फूड पसंद करता है, तो आप क्या कहेंगे? यस ही डस. डस मतलब करना, डू मतलब करना, तो डू का एकवचन के साथ डस हो जाएगा. यस ही डस लाइक इंडियन फूड. समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम. ओके, तो ऐसे ही अगर मैंने पूछा डस शी लिव नियर यू, क्या वो आपके पास रहती है, तो आप कहोगे यस शी डस, She does live near me, है ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि वो आपके पास रहती है, मैंने influence के साथ कहा, तो she does live near you. अगर इसको बिना does के use करना चाहें, तो आप कैसे कहेंगे? बिना does के? She lives near you. हाँ, she lives near you. She does lives near you. तो दोनों sentences में difference समझ में आ रहा है. She lives near you. She does live near you. ऐसे नहीं लगेगा. ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा does he walk, क्या वो चलता है, तो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं yes or no. आप कहेंगे yes he does walk, वो चलता है. He doesn't walk, वो नहीं चलता. आप समझ रहे हैं do or does का does का use यहाँ पर influence डालने के लिए. अगर आप verb कोई यूज नहीं करना चाहते प्रॉपरली एस या एस लगाकर, तो आप डू डस का यूज कीजिए सिंगुलर के साथ. ठीक है, डस ही ईट ब्रेड, यस ही डस ईट ब्रेड, या फिर यस ही डस. ठीक है, तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इन्फ्लुएंस के साथ किसी बात को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाकर कहना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि राहुल ने पेन चुराया, ठीक है, या फिर राहुल झूठ बोलता है, तो आप मुझे सिंपल वर्ब के साथ बताइए राहुल झूठ बोलता है, इसकी इंग्लिश आप वर्ब के साथ क्या बनाएंगे? राहुल लाइज. और बताइए और कोई?
हाँ राहुल लाइक करेक्ट. अब अगर मैं कहूँ कि हाँ राहुल झूठ बोलता है, अगर आप मेरी बात पे सहमत हैं और आप कहना चाहते हैं कि हाँ हाँ ऐसा है, तो आप क्या कहेंगे? राहुल डज लाई. ठीक है राहुल. यस ही डज. यस ही डज. यस वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. यस ही डज. तो आप अपने आंसर को, अपनी फ्रेमिंग को, इंग्लिश को सीख ही रहे हैं, उसको कैसे प्रेजेंटेटिव और कैसे आपको इन्फ्लुएंस के साथ कहना है ये भी आप सीखेंगे. ठीक है. तो यस ही डज, अगर आप पूरी सेंटेंस नहीं भी बोलना चाहते तो आप सिर्फ इतना बोलिए यस ही डज. ये बहुत जेनरस और बहुत ही नाइस लगता है सुनने में. ठीक है. तो ही डजंट, अगर नहीं करता है तो ये नो ही डजंट. करता है यस ही डज. वो रहती है आपके पास यस ही डज, नहीं रहती है शी डजंट, इस तरह से. ठीक है. होप ये आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे और आप इसे यूज करेंगे. आगे डज का यूज तो हमने सीख लिया, कैसे हमें उसको इन्फ्लुएंस के साथ बोलना है. सेम चीज डू के साथ. मैंने पूछा डू दे स्पीक इंग्लिश, आपने कहा यस दे डू, यस दे डू स्पीक इंग्लिश. फिर मैंने पूछा कि डू वी लाइक रीडिंग, क्या हमें रीडिंग पसंद है, आपने कहा यस वी डू, वी लाइक. ठीक है. तो ऐसे अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक माउंटेन, आपको पहाड़ पसंद है, आप कहोगे कि हाँ मुझे पसंद है, तो आप क्या कहोगे? यस आई डू. या फिर ऑब्जेक्ट लगा के अगर आप इसे पूरा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यस आई डू लाइक, आई डू लाइक माउंटेन. हाँ माउंटेन है ना, और माउंटेन नहीं होता, इट्स माउंटेन. ओके. डू यू स्टडी? यस. अगर मैं आपसे पूछूं डू यू स्टडी, आप क्या कहोगे आंसर में? यस आई डू, यस आई डू. अगर आप नहीं करते आप क्या कहोगे? नो आई डजंट. No, 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 I don't. No, I do. No, I don't. No, I don't. I don't. करने की आई के साथ क्या लगता है हमेशा, बताइए मुझे? Do. Do लगता है. तो अगर नेगेटिव बनाना है, not लगाना है, तो बस आई डू नॉट. अब आप मुझे बताइए, आप मुझे डू के साथ क्वेश्चन फ्रेमिंग करके, क्वेश्चन नहीं आंसर के बाद. मैंने कहा कि उन्हें घूमना पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? डू के साथ लगाइए. घूमना मतलब ट्रैवल कर दीजिए. यस. और बताइए, उन्हें घूमना पसंद है? डू लाइक ट्रैवल? यस दे डू. नहीं, मैं आपको सिर्फ इसका ट्रांसलेशन करना है, उन्हें घूमना पसंद है डू के साथ. They do like travel. उसे घूमना पसंद है. जल्दी से बनाइए. He does like travel. राम को खाना पसंद है. राम does like food. और अगर वर्ब के साथ बनाएंगे तो केवल डू और डज का यूज नहीं करेंगे तो राम लाइक्स फूड. तो नॉर्मली राम लाइक्स फूड. हाँ, तो नॉर्मली आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. अब आप मुझे बताइए, इतना आपने सिंपल सीख लिया कि सिंपली आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. ओके. अब जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बारे में, तो आप बहुत चीजें ऐसी बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया है, और मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, मैं अच्छा एक राइटर हूँ, ये सब हम बताते हैं. तो सिंपली बस यही इंग्लिश यूज करनी है. ठीक है. आई राइट, आई लाइक टू ट्रेवल, या फिर आप किसी और को कह रहे हो ही लाइक्स टू ट्रेवल, ही लाइक्स दिस फूड, शी लाइक्स दिस फूड, शी इज गोइंग, मतलब शी गोज वेरी फास्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वर्ब के साथ, सिंपल सेंटेंस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो हम बात कर रहे थे स्पीकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन सी चीजें आई थी? फ्लुएंसी, वोकैब. ठीक है. तो फ्लुएंसी को अच्छा करना है अगर, तो क्या करना होगा?
डेली वोकैबुलरी, ठीक है, आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप तभी, अब देखो आपने जो सेंटेंस फ्रेमिंग पूछी है तो सेंटेंस फ्रेमिंग जो आप कर रहे हैं वो तब तक ही कर पाएंगे जब तक आपको उसका शब्द का मतलब आता हो, नहीं तो आप कोई भी रूल रेगुलेशन बेकार है ना याद करना। तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है, डेली आपको क्लास में वोकैब्स याद कराई जाएंगी, उन्हें कैसे आपको यूज करना है सेंटेंस में वो बताया जाएगा, ठीक है। तो डेली वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है, कुछ नहीं करना। और वोकैबुलरी याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, रोज के जितने भी आपको यहाँ से शब्द दिए जाएंगे वो आपको बस उतने ही याद करना, बस उतने ही। अगर आपने इन 3 महीनों में 200 से 300 शब्द याद कर लिए वोकैबुलरी के और 100 के आसपास आपने वर्ब्स याद कर लिए तो समझिए आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग समझिए डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 200-300 वर्ड्स कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, आप डेली 5 वर्ड याद करोगे इनफ। तो अभी बात करते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। अभी हम बात करते हैं आखिरकार, जैसे हम बोलते हैं ना कि आखिरकार मैंने कर ही लिया, तो अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए। क्या ये वर्ड यूज होता है, इवेंचुअली, इवेंचुअली आखिरकार, इवेंचुअली हमेशा के लिए, फॉरएवर हमेशा के लिए, हम दोस्त बन गए, ठीक है, फ्रेंड्स फॉरएवर, ठीक है, बल्कि, इनफैक्ट, ठीक है, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको सेंटेंस नहीं बनाना होता, आपको सिर्फ ये शब्द ही यूज करने होते हैं। तो वोकैब, अच्छी वोकैब होने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम डेली में यूज करते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं होता उसमें, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि आपने मुझे बोला कि हम इंग्लिश सीखे हैं पर किस लिए, तो आपको अगर ऐसे कहना है तो आप कहोगे फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, ठीक है, कुछ भी, कि मैं आपको बुलाऊं कि आप चलिए आज हम घूमने चलते हैं, आपको फॉर व्हाट, किस लिए, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द आप अपने सेंटेंस में लाइए, ठीक है, इसलिए वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। किसी तरह से मैंने ये मैनेज कर लिया, तो somehow, somehow I managed, somehow I learned English, ठीक है, somehow कुछ भी, let me speak, मुझे बोलने दो, ठीक है, अगली बार, next time, उसे बुलाओ, call him, कई बार हम बोलते हैं कि call him, तो बुलाना मतलब call, ये फोन वाला call नहीं है, तो English में एक ही शब्द का कई भी, बहुत सारे meaning भी होते हैं, तो ये जब आप जितने words याद करोगे उतना अपने आप बैठ जाएगा माइंड में, ठीक है। रटने पे ध्यान नहीं देना, यूज करते रहिए, तभी वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेगा। हमें इंग्लिश सबकॉन्शियस में बिठानी है, ठीक है, रटनी नहीं है, इसीलिए मैंने फर्स्ट डे कहा था कि सबकॉन्शियस पे काम करिए, ठीक है। आगे, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, आपको किसी भी कीमत पे अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो एट एनी कॉस्ट यू हैव टू लर्न, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, इस तरह के शब्द, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, ठीक है। आप जैसे बोलते हो, मैंने आपसे पूछा कि आप इस काम को ऐसे करना, ये काम ऐसे होना चाहिए, आप क्या कहोगे, हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए सर्टनली, डेफिनेटली, यकीनन, तो सर्टनली, डेफिनेटली, इस तरह के वर्ड्स। फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल मैं आजकल इंग्लिश क्लासेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इंतजार करो, वेट अ बिट, वेट फॉर अ व्हाइल, इस तरह के शब्द, ये आपको, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। वो कैब आपको अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। जितनी अच्छी वो कैब होगी, 100 से 200-300 शब्द कुछ नहीं होते, डेली 5 याद करोगे काम बन जाएगा, डेली के 5 कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई भी बड़ी बात नहीं, 24 घंटे, 5 मिनट लगते हैं याद करने में, और पूरे दिन उन्हें यूज करिए, उन्हीं को यूज करिए, और आपके जबान पे बैठ जाए एक बार यूज करने। जल्दी मत करो, डोंट रश, जल्दी मत करो, कितनी जल्दी, हाउ सून, ठीक है, हाल ही में, रिसेंटली मैंने एक नया घर खरीदा, ठीक है, हाल ही में मैंने एक नई क्लास ज्वाइन करी, तो रिसेंटली, ठीक है। तो इस तरह से ये डेली यूज के वर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। क्लासेस में हम आपको ये डेली देंगे,
डेली यहाँ पर भी प्रैक्टिस होगी और आपको दिए जाएंगे स्टडी मटेरियल के साथ. तो कुछ नहीं, बस इन्हें याद करना है, इन्हें यूज करना है, ठीक है. होमवर्क आपको ऐसे दिए जाएंगे जो आपको बर्डन नहीं लगेंगे, आपको मजा आए, आपकी लर्निंग होमवर्क से ही बढ़ जाएगी, ठीक है. तो देर इज नो होमवर्क जिसे स्कूल में और लर्निंग में करते हो ना, बहुत इफेक्टिव अच्छे तरीके से आपको चीजें सिखाई जाएंगी. इट्स डन, हो गया, इट्स डन. सबसे लास्ट वाला वो कैप, इट्स डन. आप कहते हो कि मैंने काम कर लिया, आई एम डन, आई एम डन, मैंने कर लिया, मुझे और भूख नहीं है. आप खाना खा रहे हो, आपको और नहीं खाना, आई एम डन, ठीक है. तो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है. चलो, तो इस तरह के शब्द हैं ये, आपसे शेयर भी किए जाएंगे, ओके. आपको रोज भेजा जाएगा क्लास के पास सारा स्टडी मटेरियल, ठीक है. तो चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस की बात. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इट्स डन. तो मम्मी, आई एम डन और इट्स डन में क्या डिफरेंस है? इट्स डन, जैसे कि आप बोलोगे कि मैंने आपको कोई काम दिया, कोई टास्क दिया, मैंने कहा कि एक घंटे में जाना चाहिए, आपने कहा, आपने उसको पहले ही कर लिया है एक घंटे से पहले, तो आप मुझे क्या कहोगे? हो गया ये, इट्स डन, इट्स डन ऑलरेडी. कोई काम है, कोई चीज है, किसी चीज के बारे में आप बोलोगे तो इट इज डन. अगर मैंने कोई काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो और मैंने बहुत आई एम फुल, ठीक है, आई एम डन, मेरे से कोई काम हो चुका है, तो आई एम डन. आई एम डन विद लाफिंग, आई एम डन विद क्राइंग, आई एम डन विद प्ले, आई एम डन विद रीडिंग, अब और मुझे नहीं पढ़ना, आई एम डन विद रीडिंग, आई एम डन विद स्टडी, मुझे और स्टडी नहीं करना, आई एम डन विद दिस. कुछ भी जो चीज आपने कर ली, आपको और नहीं करनी, डन, ठीक है, समझ आया? ओके मैम, फाइन, थैंक यू. हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू. तो इस तरह के शब्द हैं जो अभी आपने वर्ब के साथ सीखा था, अब उसका टेस्ट है, ठीक है. चलिए मुझे बताइए, रेडी हो जाइए, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा इसको रिकॉल कीजिए अपने माइंड में. बताइए मुझे, मैं सीखता हूँ, I learn. मैं लिखता हूँ, I write. I नहीं बोलिए, I write. तुम प्रयास करते हो, तुम प्रयास करते हो. Keep trying. No. You try. हाँ. और अगर मैं इसी इसी जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसी बात को बोलूं, ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है, तुम प्रयास करते हो, तो आपने क्या बताया? यू डू ट्राई भी कह सकते हो. यस यस यस, यही मैं सुनना चाह रही थी. यू डू ट्राई, आप करते हो प्रयास, ठीक है. यू ट्राई बट यू डू ट्राई, यस, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. मैं बोलता हूँ, हाँ, पक्षी उड़ते हैं, सर ने बोला है बर्ड्स फ्लाई, बिल्कुल करेक्ट. बाकी किसी ने कुछ और बोला था, बर्ड फ्लाइज नहीं होगा, पक्षी है यहाँ पे बहुत सारे, तो क्या होगा? बर्ड्स, है ना, बहुवचन हो गया, तो क्रिया के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है. चलिए, मछलियां तैरती हैं, फिशेस स्विम, फिश स्विम. बताइए, आप लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में, आप लिख भी सकते हैं. मछलियां तैरती हैं, एक मिनट, सूरज पाफड़, आपका माइक बंद करिए प्लीज, माइक ऑफ रखिए प्लीज. हाँ जी, मछलियां तैरती हैं, फिशेस स्विम, वेरी नाइस. वह हंसती है, कोई लड़की है, सीता है, वो हंसती है, बताइए. हाँ, सी लव्स,
सीता लव मुझे यह पसंद है उसे उसे ये पसंद है राम को ये पसंद है ठीक है और मैं अगर दस के साथ भी कह सकते हैं राम डज लाइक गीता ठीक है राम डज रीड गीता ना चलो वह बताती है चलिए बताइए जल्दी वह बताती है he likes. नहीं वह बताती she है हाँ बताना मतलब हाँ चल चल she tells right right लोग हंसते हैं she tells लोग हंसते हैं people laugh हाँ जिसने laughs बोला है वो गलत है people laughs नहीं होगा people laugh हाँ देखो अब एक important चीज लोग हैं लोग की अंग्रेजी क्या होती है people people है ना peoples नहीं होती ऐसे ही लगाना ठीक है लोग जब ज्यादा है वो इसीलिए पीपल है ठीक है ऐसे नहीं लगाना तो पीपल ला लोग हंसते हैं वह जल्दी आता है जल्दी बताइए वह जल्दी आता है ही कम्स फास्ट जल्दी ही कम बोला मैंने जल्दी ही कम्स अर्ली हाँ ही कम्स अर्ली वे काम करते हैं वेरी नाइस एवरीबडी इज राइट दे डू वर्क दे वर्क ठीक है वे खेलते हैं जल्दी से बनाइए दे प्ले यस मैं वे शुरू करते हैं जैसे मैं बोलूं कि मैं जैसे ही कुछ कहती हूँ वो हंसने लगते हैं तो वो हंसना शुरू कर देते हैं तो मैं कैसे कहूंगी दे स्टार्ट लाफिंग दे स्टार्ट लाफिंग ING क्यों लगाया ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे डेली यूसेज में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं मॉडिफिकेशन के साथ और इंग्लिश के शब्द जैसे अभी आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया वेरी वेल डन अब आप देखो कितना इजी है बस धैर्य के साथ बहुत बहुत समझदारी के साथ आपको चुनना है सब्जेक्ट क्या है किस किस काल में बात हो रही है और आपको क्या लगाना है दैट्स इट ठीक है तो समझ में आना ये वर्ब के साथ सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने है ना समझ आ गया ना ये वाला यस मैम फाइन तो अभी हम इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे आपसे शेयर करनी है उसके बारे में बात करते हैं यहां तक जो भी चीजें हमने शेयर की आपसे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हमारी सारी मिस्टेक्स यहीं से शुरू होती हैं डू डस का यूज नहीं हम कर पाते ऐसे IAS कहीं भी लगा देते हैं ठीक है या फिर एक्स्ट्रा डिफिकल्ट बना देते हैं किसी सेंटेंस को मेक इट सिंपल मेक इट शॉर्ट है ना और मेक इट करेक्ट बस और करेक्ट करने के लिए यहीं पे सारी प्रैक्टिसेस आपको बताई जाएंगी और हाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं इंग्लिश में आप बोलते हैं तो वो टाइम टू टाइम ना थोड़ा और अपग्रेड होती जा रही है तो आपको करंट आपको जो भी अभी प्रेजेंट में जो बिल्कुल अच्छी अंग्रेजी के शब्द हैं अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन है अप टू डेट रहना है ना तो वैसे हम सीखेंगे कि करंटली बहुत अच्छे शब्द के साथ आप कैसे बोलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी जैसे कि ग्रीटिंग्स यानी कि जब कोई आता है जब कोई जाता है मॉर्निंग होती है इवनिंग होती है सुबह होती है शाम होती है आप कैसे अभिवादन करते हैं
ठीक है, अभिवादन के शब्द। तो मुझे बताइए सुबह सुबह आप क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब देखो सबसे पहली मिस्टेक क्या हो जाती है हमारी, हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एक्चुअली ये जो मॉर्निंग में जो आर है ये साइलेंट होता है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग। ऐसे ही आप आफ्टरनून को क्या कहोगे? गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून नहीं, गुड आफ्टरनून, गुड, हाँ गुड आफ्टरनून। तो ये जो आर है इसको साइलेंट रखना है। तो प्रोनंसिएशन में आप आर नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून, 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 हाँ गुड मॉर्निंग, नॉट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे ही गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग में आर नहीं है, गुड इवनिंग ऐसे ही बोला जाएगा। आप नॉर्मली कैसे ग्रीट करते हैं किसी को? हेलो या हाय के साथ इंग्लिश में, ठीक है। किसी, हर भाषा का अपना एक स्वाद है, हर भाषा का अपना एक फन है, वो हमेशा वैसा ही रखना चाहिए, ठीक है। अभी हम अगर कंपेयर करें कि नहीं अंग्रेजी में तो ऐसे बोल देते हैं वैसे बोल देते हैं, ना ना, सारी भाषाओं की रिस्पेक्ट करनी है। सारी भाषाएं अपने आप में बहुत अच्छी है, ठीक है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो अंग्रेजी में अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हो तो हाय, हेलो, ठीक है, ये फॉर्मल है। इनफॉर्मली आप दोस्तों को हे बोल देते हैं, हे या ये, ठीक है, ये आपको दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ चलता है। लेकिन अगर आप, जब आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं, यू शुड यूज हेलो, यू शुड यूज हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। शाम, अब मुझे बताइए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का क्या क्या टाइमिंग है, आपको पता है? बताइए मुझे। 12 नून से पहले गुड मॉर्निंग, 12 टू 4 गुड आफ्टरनून, 4 टू जब तक रात नहीं होती, रात मतलब सोते नहीं है तब तक, 9 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक सोते नहीं है तब तक गुड इवनिंग। तो अगर कोई सुबह के 4 बजे तक ना सोए फिर तो मॉर्निंग ही है और किसी ने बोला जब तक रात ना हो जाए, रात तो 8 बजे जाती है, 7 बजे जाती है। देखो इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा है, क्लियर कर लो जल्दी से। क्या है, जब आप शाम को किसी से मिलते हो, जैसे ये तो आपने सही कहा 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून हो जाता है, उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद आप इवनिंग करने लगते हैं। अब वो इवनिंग कब तक चलेगा, ठीक है, नाइट कब हो जाएगा? जब आप शाम को भले ही 11 बजे किसी से मिल रहे हैं तो आप उसे क्या विश करेंगे? गुड इवनिंग। जब आप उनसे मिलकर जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट। गुड नाइट बोल रहे हैं, डजंट मैटर कि अब आपका दिन खत्म हो गया उसके बाद गुड नाइट, नहीं, शाम को भी 8 बजे भी अगर आप किसी मीटिंग से जा रहे हैं तो आप उन्हें ग्रीट कर सकते हैं, गुड नाइट, सी यू टुमारो, ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, ठीक है। तो जाते समय आपको गुड नाइट करना है, ठीक है, टाटा बाय बाय करते समय, ओके चलिए। मैंने और ऐसे ही ग्रीटिंग के और सब शब्द हैं, जैसे कि हाउ आर थिंग्स, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम, नो सी, ठीक है, ग्रेट टू सी यू अगेन, आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप किसी से पूछेंगे तो आप कैसे पूछेंगे? आप कह सकते हैं हाउ आर यू, आप कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है आपके साथ, आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है, दोनों ही एक तरह के सेंटेंस है कि आप पूछ रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर थिंग्स, कैसा चल रहा है, हाउ हाउ हाउज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा चल रहा है, ठीक है, हाउ हाउज इट गोइंग। जैसे अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं कि कैसे चल रहा है आपका काम, तो मैं आपसे सीधा पूछूंगी हाउज इट गोइंग। किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप पूछना चाहें तो आप कैसे कहेंगे? हाउ इज इट गोइंग, ठीक है, इट में वो चीज आ जाएगी जो आप कर रहे हैं, ठीक है, हाउ डू यू डू, ठीक है, ये हाउ डू यू डू बहुत ही कॉमन शब्द है, बहुत ही सिंपल है, तो उसकी जगह आप ये सब चीजें यूज कीजिए, मॉडर्न इंग्लिश थोड़ा और अपग्रेडेड। अब आप अच्छे हैं तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आई फील ग्रेट, आप हमेशा क्या करते हैं? आई एम गुड। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, आप कहेंगे आई एम फाइन, I am good,
इसके अलावा आप कुछ नहीं कहते, है ना? तो थोड़ा वो कैब थोड़ा इसको बढ़ाइए, क्या कहेंगे? आई फील ग्रेट, आई एम ग्रेट, ठीक है? ग्रेट का मतलब यह महान से नहीं है, ग्रेट का मतलब है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है? तो आई एम ग्रेट, वेरी वेल। और एक एक अभिवादन में अंग्रेजी भाषा में एक बहुत अच्छा तरीका है, आपसे अगर कोई पूछे कि हाउ आर यू, अगर आप जवाब देंगे आई एम गुड, आई एम ग्रेट, उसके बाद बोलिए थैंक यू, ठीक है? थैंक यू के बाद पूछिए हाउ आर यू, सो व्हाट अबाउट यू, या फिर आप कैसे हैं, ठीक है? तो मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम ग्रेट, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, ठीक है? आप अपने बारे में बताइए, आई एम फाइन, आई एम ओके, ऑल राइट, ठीक है, एक्सीलेंट, नॉट बैड, बहुत सारी चीजें। अगर आप ठीक नहीं है, अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं चल रहा सब कुछ, तो आप कहेंगे नॉट टू गुड, नॉट सो ग्रेट। आप पहले कह रहे थे आई एम ग्रेट, फिर आप बोलेंगे ठीक ठाक है, नॉट सो ग्रेट, ठीक है। आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, आई फील ऑफुल, मुझे थोड़ा अजीब, मतलब नॉट बेटर, ठीक है, अ बिट बेटर, थोड़ा सा ठीक, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस, जैसे कोई कहता है थैंक यू, तो आप क्या कहते हैं? वेलकम, यू आर वेलकम। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, ठीक है, यू आर वेलकम, आई एम ग्रेटफुल, ताकि मतलब आपकी मदद करके मुझे अच्छा लगा, आई एम ग्रेटफुल। सो वेलकम, थैंक यू, थैंक्स, यू आर वेलकम, आई एम प्लीज्ड, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्लीज्ड, यानी कि बहुत अच्छा महसूस करता हूँ आपकी हेल्प करने के बाद। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो हम यूज करेंगे, जो अपग्रेडेड हैं, ठीक है, जो बहुत आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, क्योंकि काफी सारे शब्द हैं जो फैनिश हो गए, फिनिश हो गए, उनकी जगह नए शब्द आ गए, तो आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, अपडेटेड रहना है। तो उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। एक छोटी सी, जल्दी से एक छोटी सी चीज शेयर कर लेते हैं, वैसे टाइम हो गया है, टाइम के बारे में, ठीक है, टाइम आपको कैसे बताना है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 2:45 बज रहा है, 4:45 बज रहे हैं, तो आप इनको कैसे बोलोगे, ठीक है? तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ये छोटी सी चीज है, टाइम के साथ आपको कैसे फ्लुएंटली बोलना है, करेक्टली। अगर मैं कहूँ कि 12:30 हो रहे हैं, 1:45 हो रहा है, तो उसका एक फ्रेम है, उसकी फ्रेमिंग है, तो हम एग्जैक्ट वही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, कंफ्यूजिंग लग रही हो, टेल मी। पीपीटी प्रेजेंटेशन तो आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये फॉरवर्ड होगी, ये देखिए जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब कुछ पीपीटी भी और स्टडी मटेरियल भी आपको, क्योंकि कल से क्लासेस एप्लीकेशन पे होगी, आज हमारी आखिरी क्लास थी डेमो क्लास, कल से सारा एप्लीकेशन पे होगा, तो ऐप पर ही आपको सब चीजें मिलेंगी। ऐप का लिंक चैट बॉक्स में भी आ गया है, ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसी पे सारी चीजें होंगी। बहुत बहुत अच्छा ऐप बनाया है, एक ही जगह सब कुछ, उसमें आपको वीडियोस भी होंगी, उसमें आपकी पीपीटी भी होंगी और आपका स्टडी मटेरियल भी होगा, ठीक है, तो आप जब चाहें उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो किसी को कुछ पूछना है आप पूछिए, आप बताइए, और कल से फिर हमारी क्लासेस ऐप पर होंगी, है ना, यहाँ पर नहीं होंगी। अपने को रजिस्टर करा लीजिए ताकि ऐप का, हाँ जी हाँ जी, बताइए। दी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर वेलकम एंड यू आर वेलकम? शॉर्ट फॉर्म, दैट्स इट, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ओके, यू, फिर हम उसमें केवल आर ई लिख देते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। इसको हम और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सब कुछ सीखोगे आप यहाँ पर, है ना, यू आर वेलकम। हाँ, ओके, कैन यू टेल व्हेन वी यूज कुडंट बी बेटर? कुडंट बी बेटर, हमने ग्रुप अपने चैट में, हाँ जी हाँ जी, when we use couldn't be better, हाँ, couldn't be better, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, when you are well, okay, ठीक है, तो आप, आपने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, good, better, best,
तो आप बेस्ट हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप बेटर भी फील नहीं कर रहे हैं, आप बेटर से भी ज्यादा फील कर रहे हैं, तो कुडंट बी बेटर, आई एम बेस्ट, ठीक है, तो आई एम फीलिंग सो गुड, सो मच ग्रेटफुल, सो कुडंट बी बेटर, ठीक है, आई एम ग्रेट, इस तरह, ठीक है। और इसको इसको इस तरह के सेंटेंसेस जो है ये दिखने में कंफ्यूजन से लगते हैं, कंफ्यूज करने वाले लगते हैं, तो इसी तरह के सेंटेंसेस को हम और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्या कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे ना, डोंट वरी। हम मे बी इसका मतलब मतलब ऐसे हो सकता है कि आई कांट फील बेटर देन दिस, कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा कभी लग नहीं सकता, मतलब इतना अच्छा मैं फील कर रही हूं, कैन बी बेटर, कुडंट बी बेटर, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग्स हैं, सेम सेंटेंसेस को आप अलग अलग फ्रेमिंग में अलग अलग मीनिंग के साथ डिलीवर करते हैं, है ना, तो वही डिलीवरिंग आपको सीखनी है यहाँ पर, ठीक है। और बताइए, और कुछ पूछना है किसी को, और किसी को भी अगर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग बात करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना और बात करना, पूछना, जो भी आपके डाउट्स हो सारे क्लियर होंगे, ओके, तो आप बता सकते हैं जब भी चाहे। मैम द टाइम विल बी द सेम फॉर एवरी डे एवरी क्लास एंड टाइम 8 to 9 यस गुड यूज ऑफ विल बी हां गुड यूज नाइस तो यहाँ पे आपको टाइम, यहाँ पर हमने ये 8 to 9 इसलिए रखा है क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ में, और जो आप लोग पढ़ाई करते हैं मास्टर्स की या जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो दिन में समय नहीं मिल पाता है ना, शाम का टाइम बहुत अच्छा है, ये पढ़ते पढ़ते सोएंगे यही चलता रहेगा माइंड में तो ये बैठेगा जी। और किसी को कुछ पूछना है, थैंक यू जी, थैंक यू पल्लवी जी, किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम किस नंबर पे कांटेक्ट करना है? कांटेक्ट करना है, मैं चैट बॉक्स पे डाल देती हूँ, ठीक है जी मैम। ठीक है, ये नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, सब सॉल्व हो जाएगा। क्या क्लास की रिकॉर्डिंग हर दिन की अवेलेबल होगी ऐप पर? हाँ क्लास की रिकॉर्डिंग, पीपीटीज, स्टडी मटेरियल, आपके असाइनमेंट्स, आपका टेस्ट भी तो लेंगे बीच बीच में, ताकि चेक करेंगे कि आपकी लर्निंग ठीक चल रही है कि नहीं, तो हर वीकेंड पे असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट भी आपको ऐप पर ही मिलेंगे, आप अच्छे से बस वहीं से उसको फिल करके और वहीं पे अपलोड कर सकते हैं दोबारा, बहुत इजी ऑपरेशन के साथ।